हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन डील करने वाले हैं एक और शानदार नर्सिंग की वैकेंसी, और ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी जैसे कि आप स्क्रीन पे है वो देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना यानी कि एम्स पटना की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर है वो मिलने वाली है। और साथ ही बता दूं कि ये जो वैकेंसी है नॉर्सेट के अलावा है, नॉर्सेट में जो वैकेंसी है वो अलग है, बाकी ये वैकेंसी है वो आपको एम्स पटना के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी है, ठीक है। तो एम्स पटना की डायरेक्ट वैकेंसी है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट डेट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो आप देख पा रहे होंगे कि 26/4/2023 का है इसका एडवर्टाइजमेंट डेट है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे हैं वो देख पा रहे होंगे कि सीनियर प्रोग्राम एनालिटिक्स की है वैकेंसी है, डीएमएस की वैकेंसी है, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, सीनियर डाइटिशियन की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, मेडिकल ऑफिसर आयुष की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एंटीनेटल मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, अकाउंटेंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, और आपको बात करें नर्स की तो पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा इस वीडियो के अंदर फोकस है वो नर्सिंग की वैकेंसी पे है वो करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो है वो डेडिकेटेड टू नर्सिंग फील्ड है वो बनाया जा रहा है। तो बहुत सारी है, लगभग 83 टाइप्स डिपार्टमेंट्स की हैं वो पोस्ट इसके अंदर आए वो आपको देखने को मिलेंगी। तो वो ये PDF में आपको WhatsApp ग्रुप के अंदर है वो शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाके हैं वो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली है वो फोकस करूँगा वो नर्सिंग की वैकेंसी पे है वो आपको करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो अगर सैलरी की बात करें तो इसमें आपको लेवल 8 की सैलरी देखने को मिलेगी दोस्तों, यानी कि आपको नॉर्सेट से ज़्यादा है वैकेंसी सैलरी है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। नॉर्सेट में लेवल 7 है वो देखने को मिलेगी। और अगर क्वालिफिकेशन असेंस की बात करें तो BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही उनके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए रिलेवेंट एक्सपीरियंस का, यानी कि PHN का अगर किसी के पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो, तो वो कैंडिडेट इसके लिए हार्डली इन्वाइटेड हैं, वो कैंडिडेट इसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि एज है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, एज क्राइटेरिया बात करें तो 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपको इसके अंदर एक पोस्ट पे है ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, CVT है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी इसकी एक वैकेंसी थी पब्लिक हेल्थ नर्स की। नेक्स्ट बात करें जो नेक्स्ट नर्सिंग की वैकेंसी है वो आपको कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि वेरियस टाइप की वैकेंसी वेरियस डिपार्टमेंट से वैकेंसी हैं वो अलर्ट की गई हैं, आउट की गई हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है आपको देखने को मिलेगी MSW की वैकेंसी है, योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इसमें बात करें मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी, ये भी एक नर्सिंग की वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी लेवल 7 की सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, लेवल 7 की आपको सैलरी देखने को मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि GNM कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, किसी भी जो भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ का नर्स
पब्लिक हेल्थ का अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो है इसके अंदर आप डायरेक्टली हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई का भी है, वो आपको प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक हैं वो ज़रूर देखें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको नर्सिंग की सबसे ऑथेंटिक एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि जो भी नई अपडेट्स आती हैं नर्सिंग फील्ड के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि वैकेंसी, और वैकेंसी की मैं बात करूं तो वैकेंसी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो सभी प्रकार की वैकेंसी है वो आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चैनल को हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, हम सभी फ्रेंड्स को हैं शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी को, इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज क्राइटेरिया है वो आपको इसके अंदर भी है वो देखने को मिलेगा, 21 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, तो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपको एक पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, CBT है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक और वैकेंसी की थी, वैकेंसी थी। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है साइकेट्रिक सोशल वर्कर की वैकेंसी है, PSES एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर की वेरियस वैकेंसीज हैं वो आपको इस देखने को मिलेगी। अगर आप कोई अदर कैंडिडेट हैं वो डाइटिशियन की वैकेंसी भी है वो आपको देखने को मिलेगी, इंजीनियरिंग के BME वगैरह सभी जो वेरियस टाइप्स की वैकेंसी हैं वो भी आपको इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिलेगी। फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी भी हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, अगर कोई नॉन जो भी इंटरेस्टेड हो फिजियोथेरेपी के अंदर है वो भी इस वीडियो को है वो शेयर कर सकते हैं आप लोग। PDF में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं वो दे दूंगा, अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं वो ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी भी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि और कौन सी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है नेक्स्ट पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, TB एंड चाय चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जिसके अंदर लेवल 6 की है वो आपको सैलरी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, लेवल 6 क्या है वो आपको सैलरी देखने को मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यानी कि इसके अंदर है, और डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी कि JNM कैंडिडेट हैं तो 2 ईयर्स का आपको है वो एक्सपीरियंस है, और अगर BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं तो वो बिना एक्सपीरियंस भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट बिना एक्सपीरियंस के। और पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 2 पोस्ट पे ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन है वही CBT है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एज की बात करें तो एज है 21 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी एक और नर्सिंग की वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी है वो इसके अंदर है वो दी गई है हेल्थ एजुकेटर की वैकेंसी है। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर डेंटल की वैकेंसी है, जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर की है, काफ़ी सारी वैकेंसी है, लेकिन मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहा हूँ वो नर्सिंग की वैकेंसी पे है वो करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ इसके। जैसा कि आप देख रहे पाए होंगे लगभग 83 डिपार्टमेंट्स की है वो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है इसका प्रोसेस है वो आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो फॉर्म ऑफ अप्लाई है वो मोड है वो आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, और फॉर्म आपको कहाँ फिलअप करना है, जो एम्स पटना की ऑफिशियली साइट है www.aimspatna.edu.in पर है वो आप जाके अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है, जैसे कि आपको ये जो ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है 26/4 को। ठीक है, 26/4 को है ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया, और उसके बाद इन्होंने देखकर साफ क्लियरली मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया है कि जो 30 डेज तक है वो है, यानी कि तो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 26/5, यानी कि 26 मई तक हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 26 मई ही है इसकी लास्ट डेट है, तो वहाँ तब तक हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं।
सॉरी 25 मई तक हो जाएगा, 25 मई इसकी लास्ट डेट है, वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देखने को मिलेगी, जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट के लिए है वो 3000 है वो देखने को मिलेगी, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है 2400 है वो आपको देखने को मिलेगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस है वो निःशुल्क है, ठीक है। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज है वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स तक का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है वो 10 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट और भी इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन सी बी टी है वो उसकी आपको वेबसाइट के ऊपर है, इसकी डेट है वो आपको मिल जाएगी, और जैसे ही पब्लिश होती है वेबसाइट पर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है वो प्रोवाइड करवा देंगे, और यूट्यूब पर भी है वो वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो तभी आपको मिल पाएंगी। नेक्स्ट बात करें एग्ज़ाम में क्वालिफाई है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं वो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जो जनरल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए आपको देखने को मिलेगा 50% मार्क्स हैं वो आपको ऑब्टेन करने हैं। ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स हैं वो आपको ऑब्टेन करने हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स हैं वो आपको ऑब्टेन करने हैं, और जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 45 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो एज कैटेगरी आपको 5% तक का है वो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिला। एडमिट कार्ड है वो एम्स पटना की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसी पे है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सीबीटी के बाद में जो भी आपका प्रोसेस होगा स्किल टेस्ट विल बी नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, या तो सीबीटी है वो आपको देखने को मिलेगा या फिर इसमें स्किल टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, तो जो भी आगे का प्रोसेस होगा हम आपको चैनल के ऊपर है वो प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे ही एम्स पटना है इसके बारे में नया नोटिफिकेशन है वो रिलीज करेगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब के ऊपर भी है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो एवं इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए एवं सभी फ्रेंड्स को है वो शेयर कर दीजिए। ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है वो दे दूंगा, क्योंकि इसके अंदर वेरियस टाइप की पोस्ट हैं, लगभग 83 टाइप की पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 83 पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, तो जो भी जिस फील्ड के अंदर है इंटरेस्टेड है एलिजिबल है उस फील्ड के अंदर है वो अप्लाई कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लें। ओके थैंक यू।